चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। अ पार्टिकल मूव्स इन पोटेंशियल रीजन गिवन बाय यू इज इक्वल टू 8x² - 4x + 400 जूल। ठीक है, इट्स एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी, कितना होगा इक्विलिब्रियम के स्टेट में जो नेट फोर्स होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, फोर्सेस लग रहे होते हैं लेकिन फिर भी रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू, सभी फोर्सेस का सम जो है वेक्टर सम जीरो होता है। तो यू की वैल्यू अगर दिया हुआ है 8x² - 4x + 400 जूल दिया हुआ है, और एफ और यू के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है F = -du/dx। तो यू की वैल्यू आप निकाल लो, यू इज इक्वल टू क्या है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो यू की वैल्यू को, ठीक है, तो आएगा 8 × 2x - 4 × 1 + 0, क्योंकि 400 कांस्टेंट है। तो du by dx की वैल्यू होगी 16x - 4, और क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है इट मींस यहां पर f की जगह जीरो रखोगे, इट मींस -du/dx की वैल्यू हो जाएगी जीरो, इट मींस du/dx आपका जीरो हो जाएगा। अब इस वैल्यू को जीरो कर दो, यानी 16x - 4 = 0, यानी x = 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब 0.25 मीटर, अगर SI यूनिट में लिया गया है, क्योंकि एनर्जी SI यूनिट में है तो x की वैल्यू भी SI यूनिट यानी मीटर में होगी। यानी 0.25 मीटर पे जो फोर्स की वैल्यू होगी, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, यानी x = 0.25 पे इक्विलिब्रियम में होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी पार्टिकल। कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है? बी वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।